नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। दिल्ली में चल रहे लोटस मेकअप इंडिया फैशन वीक स्प्रिंग समर सीजन 2019 के दूसरे दिन फेमस डिजाइनर्स ने अपने कलेक्शन पेश किए, जिनके लिए कई बॉलीवुड हसीनाएं रैंप पर उतरी। डिजाइनर जोड़ी भूमिका और ज्योति के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने रैंप वॉक किया। सुष्मिता ने ऑफ शोल्डर नियॉन पैरेट कलर का फ्लेयर्ड गाउन पहना हुआ था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। गाउन के साथ उन्होंने लॉन्ग फ्लेयर जैकेट कैरी की थी। हेयर स्टाइल की बात करें तो सुष्मिता ने मैचिंग पैरेट कलर की टर्बन पहनी हुई थी, इसी के साथ उन्होंने सिल्वर हील्स पहनी हुई थी। रैंप करने से पहले सुष्मिता सेन ने कहा था कि मैं ज्योति और भूमिका के कलेक्शन को लेकर काफी उत्साहित हूँ। रैंप में चलना मेरे लिए हमेशा से ही यादगार रहा है, जो कि फैशन को प्रमोट करने के लिए उत्साहित करता है। आपको बता दें कि फैशन डिजाइनर भूमिका और ज्योति का कलेक्शन पूरा ग्रीन और व्हाइट थीम पर था, जो कि अच्छी क्वालिटी के साथ जॉर्जेट क्रेप और शिफॉन में थी। गौरतलब है सुष्मिता सेन जल्द ही बॉलीवुड में कमबैक करने वाली हैं। वो आखिरी बार फिल्म नो प्रॉब्लम और दूल्हा मिल गया 2010 में नजर आई थी। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त सुष्मिता के पास दो फिल्में हैं, जिसमें एक फिल्म में वो पुलिस का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी। ये फिल्म मध्य प्रदेश के एक पुलिस ऑफिसर पर आधारित है। इससे पहले भी सुष्मिता 2003 में एक फिल्म में पुलिस का किरदार निभा चुकी हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।